गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स रियल नंबर में। यहाँ कह रहा है प्रूव दैट रूट 3 प्लस रूट 5 इज इरेशनल। इसे हमें प्रूव करना है, तो थोड़ी देर के लिए इसको मान लेते हैं कि रैशनल है, रैशनल नंबर को मान लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। तो यहां लिखेंगे लेट अस अज्यूम दैट रूट 3 प्लस रूट 5 इज रैशनल। हमने इसको मान लिया कि एक रैशनल है, तो एक मिनट, रैशनल यहां तो रैशनल है ये, तो इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना, तो आइए इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। और लिखेंगे यहां देन रूट 3 प्लस रूट 5, अगर ये रैशनल है तो इसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स है एंड Q इज ग्रेटर देन 1। यहां पर Q जो है वो ग्रेटर देन 1 है। अब इसको देखिए, इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब स्क्वायरिंग करेंगे तो यहां रूट 3 प्लस रूट 5 पूरे का हो गया होल स्क्वायर, और यहां पर भी स्क्वायर हो जाएगा p अपॉन q, इधर भी स्क्वायर हो गया। तो a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पर रूट 3 स्क्वायर प्लस रूट 5 स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 5, और यहां आया p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, 3 फ्री हो जाएगा, प्लस ये हो गया 5। अब यहां पर प्लस 2 रूट 3 और रूट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 15 आएगा, और ये हो गया p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2 रूट 15 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। तो अब यहां दिखा देते हैं, ऐसा करते हैं, 8 को इधर ट्रांसपोज करते हैं, तो ये हो गया रूट 15, टू रूट 15 इज इक्वल टू, ये हुआ पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, और माइनस 8 हो गया, तो अब ये हुआ टू रूट 15। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 8 क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब केवल रूट 15 को इधर रखेंगे, रूट 15 को इधर रखेंगे, बाकी इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 8 क्यू स्क्वायर और अपॉन 2 क्यू स्क्वायर। अब आप ध्यान से इसको देखिए, यहां जो एक रेशा मिला है लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, रूट 15, मतलब एक इरेशनल नंबर है, और यहां पर p और q जो है वो अपने आप में एक इंटीजर है, तो p और q जब इंटीजर है तो पी स्क्वायर माइनस 8 क्यू और 2 क्यू स्क्वायर ही एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि हमने यहां पर p अपॉन q को माना हुआ है और कहा है कि p और q एक इंटीजर है, तो इस तरह से p स्क्वायर माइनस 8 क्यू स्क्वायर अपॉन 2 क्यू स्क्वायर ये भी अपने आप में एक रैशनल नंबर होगा। अभी रूट 15 क्या है, रूट 15 जो है वह इरेशनल नंबर है, और ये रैशनल नंबर है, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि एक इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर कभी इक्वल हो जाए। तो इस तरह से अगर हमने इसको रूट 3 प्लस रूट 5 को रैशनल मान लिया, तो यहां पर एक इरेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर कभी इक्वल हो ही नहीं सकता, तो ये हमारा एजम्पशन जो है वो गलत साबित हो गया यहां पर। तो आप यहां तक कॉपी कीजिए, उसके बाद हम यहां पर आगे कैसे लिखना है उसको बताते हैं, तो यहां तक आप कॉपी कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं। स्टूडेंट्स अब यहां देखिए, इसके बाद से हम यहां दिखाएंगे कि यह क्या है, पी और क्यू जो है वह एक इंटीजर है, तो यहां दिखाएंगे P एंड Q आर इंटीजर्स, सो P स्क्वायर माइनस 8 Q स्क्वायर अपॉन 2 Q स्क्वायर इज रैशनल। ये क्या हो गया, ये रैशनल है, क्योंकि p और q जो है एक इंटीजर है
और पी अपॉन क्यू को हमने यहां पर ऐसा नंबर माना, पी क्यू इंटीजर है, तो यहां पर ये पूरा जो पी स्क्वायर माइनस एट क्यू स्क्वायर अपॉन टू क्यू स्क्वायर आया, ये अपने आप में एक ऐसा नंबर है। बट रूट 15 इज इरेशनल, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। रूट 15 जो है वह एक इरेशनल नंबर है और ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। अब यहां दिखाएं लिखेंगे हेंस रूट 15 इज डज नॉट इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस एट क्यू स्क्वायर अपॉन टू क्यू स्क्वायर। अगर हम रैशनल मानते हैं तो फिर ये आता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि कभी इक्वल हो ही नहीं सकता, इसलिए हम कह देंगे आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। तो हम लोगों ने जो यहां पर मान लिया था कि रूट थ्री और रूट फाइव एक रैशनल नंबर है, ये अजम्पशन हमारा गलत हो गया, तो इसलिए ये जब रैशनल नंबर ही, तो ये रैशनल नंबर ही होगा। हम यहां पर दिखा देंगे, देखो रूट थ्री प्लस रूट फाइव इज इरेशनल, ये प्रूव हो गया, ऐसे ही प्रूव करना है इसको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए 2023 के लिए, इसमें से हमने कई प्रॉब्लम आपको बताया हुआ है, उसमें से कोई एक ना एक पूछा जाएगा, तो इसे आप अच्छे से कॉपी कर लीजिए, उसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू।